बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम लोगों से लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। 6:58 पर, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, यहाँ एकदम भगदड़ सी मच गई, सारे वोटर्स आए ताकि अपनी बारी उनको पहले मिल जाए वोट करने की, और लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम? अरविंद। अरविंद, कितने उत्साहित हैं आज? बहुत उत्साहित है मैडम। क्या सोचा रात भर? यही सोचा मैडम, सुबह जल्दी से वोट दे दें, गर्मी से बच जाएं, गर्मी से बच जाएं कि सरकार चुन ले। देखिए, इसे सेंसिटिव कहा जाता है, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर होती है, इसलिए लोगों ने, हाँ भैया बड़ा हंस रहे हैं आप, हंसी की वजह बताइए। आप बताइए। नहीं, अच्छा लग रहा है। नाम क्या आपका? राजेंद्र। राजेंद्र, क्या इस बार सोचकर आए वोट करने के लिए? सुबह सुबह जल्दी वोट देना। जोधपुर की जनता ने क्या मूड बनाया, किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं? सरकार अच्छी चुने, युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए बस वोट तो कहें। पहले मतदान फिर जलपान? फिर जलपान। आप तो एकदम नहा धो के तैयार करे हो गए हैं, नाश्ता किया है? नाश्ता, ब्रेकफास्ट फुल, नाश्ता करके आए हैं। पहले मतदान करना? पहले मतदान। 4 बजे उठ गए थे, आज ही उठे या रोज उठे? बिल्कुल प्रियंका, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर कुछ मतदाता इस वक्त मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं और सुबह सुबह पहुँच गई हैं। आप पहले तो अपनी ये जो स्याही लगी उंगली है वो आप वहाँ पर दिखा दीजिए। ये दरअसल नजर का टीका है, ये नजर का टीका अभियान जो रिपब्लिक भारत ने भी चलाया हुआ है, वोट आपने कर दिया है, लेकिन क्या सोच कर आप वोट करने के लिए आए, क्या मुद्दे? मुद्दे ये है कि जो भी हमारी मतलब डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए ना देश का, तो अच्छी सरकार चुनेंगे, हम सबका फर्ज है कि हम वोट को सुबह देने आए। सबसे पहले मतदान, देन जलपान। मतदान पहले फिर जलपान? तो ये तो बचपन से, मतलब बचपन नहीं, सॉरी, 18 इयर्स की एज से ये क्रेज है कि मैं सबसे पहले आके मतदान करूं। तो डेवलपमेंट हुआ है क्या? आप वीडियो बाद में बनाइएगा, पहले अपनी स्याही लगी उंगली आप भी दिखा दीजिए और ये बताइए डेवलपमेंट हुआ है, क्या मुद्दे? डेवलपमेंट हुआ है और काफी, बहुत ज्यादा पहले से प्रोग्रेस है, हाईवेज बने हैं और स्कूल कॉलेज जो एम्स की हम बात करते हैं उस तरह के काफी सारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं सब। लेकिन इस बार आपके प्रत्याशी बदल गए हैं? यहाँ से प्रत्याशी से हमें इतना ज्यादा वो नहीं होता, हमें तो मेन मोदी जी से ही होता है, तो उनको ही हम लोग सपोर्ट करते हैं मेन, तो मेन बीजेपी। और आप ये मत बताइए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, कुछ और भी मतदाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैम, आपने वोट कर दिया है, एक बार अपनी स्याही लगी उंगली दिखा दीजिए और ये बताइए कि क्या सोचकर आप वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए अपना यहाँ आए, क्या मुद्दे? कोई मुद्दा नहीं, बहुत अच्छा शहर है गाजियाबाद, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। और लोग जो कहते हैं बीके सिंह जी वगैरह, अतुल जी आए तो अतुल जी भी बहुत बेटर है और बीके सिंह जी भी बेटर थे। कैंडिडेट्स तो और भी है, अतुल गर्ग के अलावा भी है? कैंडिडेट अतुल गर्ग है और देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के भविष्य के लिए मोदी आवश्यक है, इसलिए मोदी का ही एक विकल्प है और कोई विपक्ष में कहीं कोई विकल्प नहीं। विकास हुआ है गाजियाबाद? विकास हुआ है गाजियाबाद का, नहीं देश का हुआ है, विश्व में ख्याति हुई है। ठीक है, कुछ 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 और भी लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने वोट कर दिया? हाँ जी, वोट कर दिया। तो क्या मुद्दे ये सोचकर आप यहाँ आए बटन दबाने के लिए? नहीं, हम तो यही सोच के आए हैं जी कि मोदी जी के पहले इतना काम हुआ हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान का नाम आज वर्ल्ड में जाना जाता है, तो इसीलिए हम तो मोदी जी को वोट करने आए, कहीं ये ना हो एक वोट सही मोदी जी पे। तो मतलब कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी मुद्दा है? मोदी जी तो यही चाहते हैं कि जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको नौकरी मिले, बेरोजगार ना रहे, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, हालांकि आप अभी जा रहे हैं, आप वोट कास्ट आपने किया नहीं, लेकिन तो होंगे, क्या सोच कर आ रहे हैं? देश की उन्नति के लिए अच्छे मेंबरों को वोट देना हमारा काम है, जिससे कि देश की जीते आशीर्वाद है, जिससे देश की जो है प्रगति दिन पर दिन आगे चले। ठीक है, ध्यान में। ठीक है आंटी, सुपर एक्साइटेड है, आप जाइए प्लीज अपना वोट देने के लिए। और मैं सीधा एक बार लोमस, मेरे सहयोगी नोएडा से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर क्या कह रही है जनता, क्या मुद्दे लेकर पहुंच रहे हैं वहां पर लोग, सीधा मैं एक बार लोमस का रुख करूंगी। लोमस, बिल्कुल हिमानी, मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि अभी हम गौतम बुद्ध नगर में हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 27 लाख वोटर्स आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और साफ तौर पे अभी मैं बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के घर के बाहर खड़ा हूं और कुछ ही देर के बाद बताया जा रहा है कि वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए घर से निकलेंगे। लेकिन आपको साफ तौर पे यहां बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के जो मतदाता हैं उनके मुद्दे काफी खास हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर क्योंकि बढ़ते हुए दिन के साथ गर्मी भी काफी तेज हो जाएगी और उससे पहले हमने देखा कि वोटिंग सेंटर्स है वहां पे मतदाताओं की भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है और साफ तौर पे कुछ ही देर के बाद जब हम उन वोटिंग सेंटर्स पे जाएंगे तो उन मतदाताओं से भी बात करेंगे, उनकी राय भी जानेंगे। और साथ बिल्कुल बिल्कुल लोमस, आप वहां खड़े हैं, वहां की स्थिति बता रहे कि आप महेश शर्मा के घर के बाहर है, वहां से लोग वो निकलेंगे, कतार में कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। वोट कास्ट करने आए सुबह सुबह, क्या सोच कर आए?
वोट देना। मुद्दे क्या हैं आपके भागलपुर के? ये तो मालूम नहीं है हमको क्या, मतलब देश के लिए वोट कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि सांसद चुनना आपको यहाँ? इनका जो प्रणाम पूर्णिया का जो मुहिम था वो कहाँ तक पहुँचा? पप्पू जी आपने रंग जमा दिया है यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहले भी चुनाव जीते हैं पूर्णिया से, तो प्रणाम पूर्णिया की मुहिम जो है कहाँ तक पहुँची आपकी? सर प्रणाम पूर्णिया का मतलब पूरे परिवार, माँ बेटी बहन सबको प्रणाम, सबको सलाम, सबको जोहार, और मुहिम घर घर हर व्यक्ति तक, हर व्यक्ति का आशीर्वाद और ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हुआ। मैं देश के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर सका, हर मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, हर दल के वर्कर का, हर दल के वोटरों का, हर दल के आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। सर सबके दिलों में जगह प्राप्त है। कांग्रेस में मर्ज करने के बाद जो लार्जर थिंकिंग थी पप्पू यादव की वो सामने था, और उसके बाद जो महाभारत की पटकथा लिखी गई पटना में किसी घर से, और ख़त्म करने के तरह के लिए अभिमन्यु के तरह चक्रव्यूह रचा गया, तो मैं अभिमन्यु नहीं ना हूँ, मैं अर्जुन हूँ। आपको किसने धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने या राष्ट्रीय जनता दल ने? साफ साफ बताइए। कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लालू जी से तेजस्वी यादव से मिलने गए? सर मर्ज मिलने तो जाएंगे ना, जब कोई आदमी मिलना चाहेंगे, और उसके बाद यदि आप के भीतर क्या है, आप किस तरह की नफरत की राजनीति करते हैं, क्यों आपको अच्छे लोग, सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते हैं, क्यों आपको पप्पू छोड़िए कन्हैया पसंद नहीं, आपको साहबुद्दीन जी का परिवार पसंद नहीं, आपको अशफाक करीम पसंद नहीं, आपको देवेंद्र? मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में जब आपने मर्ज किया और चुनाव की परिणति यहाँ तक की पहुँच गई कि तेजस्वी यादव को कैंप करना पड़ा 3-4 दिन, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया, लालू जी ने आपसे क्या कहा चुनाव के दिन, जनता को बताइए। सर लालू जी ने सिर्फ सीधा काम मर्ज करिए, मधेपुरा सुपौल जाइए, पूर्णिया नहीं देंगे, नहीं होगा, मधेपुरा सुपौल। मैंने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, मधेपुरा सुपौल नहीं जाएंगे आपको, और मर्ज हम नहीं कर पाएंगे आपसे किसी आरजेडी में मर्ज खुद, तुम आरजेडी में थे, आरजेडी में मर्ज करो, क्यों नहीं करते? हमने कहा सवाल ही नहीं उठता है। मैं फिर कहाँ गया, हम आज भी आपसे कह रहे हैं और बहुत गंभीरता के साथ, सर पूर्णिया कांग्रेस में मर्ज का सीधा प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की ब्लेसिंग और उसका ट्रस्ट के कारण हमने, उसमें कोई राजनीति नहीं थी। मैं अपनी पार्टी से यहाँ चुनाव की तैयारी कर रहा था, फाइनल थी, 15 साल की पार्टी और 40 साल के संघर्ष को मैंने समर्पण कर दिया, और उसके बाद जो हुआ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने धोखा दिया आपको, इसका मतलब आपको लगता है क्या? आए यहाँ क्या, हमको निकाल दिया क्या, हमारे खिलाफ़ बोले क्या, सारा कांग्रेस वर्कर के सांसों और खून में सब यहाँ आए ना, सबकी ब्लेसिंग यहाँ है ना, ला पाया कोई क्या? मतलब कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी का विरोध किया यहाँ पर, इसका मतलब आपका ये कहने का मतलब ये है? सर आरजेडी का विरोध न किया या नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हर लोगों का ब्लेसिंग आशीर्वाद सिर्फ पप्पू यादव को प्राप्त हुआ, और दोनों और लीडर बात पर नज़र है पूरे बिहार की और देश की, कि पूर्णिया को बना दिया गया है कि पूर्णिया और इस सीमांचल बेल्ट का गोप कौन होगा। पप्पू यादव पहले भी इस बेल्ट में नेता रह चुके हैं, और यादवों के सिरमौर कौन होंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव? और यहां पर देखा जा रहा है कि वोटरों में चर्निंग है, तो क्या आपको लगता है कि आप शिकस्त देते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव को, जिसके चलते 3 दिन कैंप करना पड़ा? नहीं, मैं यादवों का सिरमौर किसी मुसलमान का किसी जात का नहीं हूँ, नहीं नहीं मेरी इतिहास ही नहीं, पूरी कोरोना में किसने मोड़ दिया, किसने मदद की हर जात को, पटना के बाढ़ को हर जात, हर धर्म के लोगों को वहाँ कौन सा ज्यादा? लेकिन ये जातिगत लड़ाई तो बनी गई ना पप्पू जी, तेजस्वी यादव को यहाँ कैंप करना पड़ रहा है, पत्थर चल रहे हैं समर्थकों के द्वारा। मेरी बात तो सुनिए ना भाई, और उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव ने कि इंडिया और एनडीए, मतलब आपको वोट न देने की अपील की। क्या आपको लगता है कि यादव वोटर आपके साथ हैं? सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ,
सर मैंने तो यहाँ से 3 बार निर्दलीय जीता हूँ सर, मधेपुरा से 3,00,000 से मैं चुनाव जीता हूँ, जहाँ पर लालू यादव 2-2 बार हारे, 23,000 वोट नहीं आया, 43,000 वोट से जीते, जहाँ 7,00,000 ज़्यादा पाटलिपुत्रा में वहाँ 1 बार भी चुनाव नहीं जीते।